जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है AgBr। तो ये क्या है, तो ये याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड है, जो कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। और DTO की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये है भारी जल, और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए आगे देखिए, भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, बल का मात्रक क्या है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे आप सभी, बल का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर बल का SI मात्रक बताना है, जो कि न्यूटन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बल का CGS मात्रक पूछे, तो बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो डाइन ये बल का CGS मात्रक है, और पास्कल ये दाब का मात्रक है, जूल कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है, और केल्विन ये ताप का मात्रक है। समुद्री घोड़ा किस के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न को हमने आपको परसों भी बताया था प्रैक्टिस सेट में, समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा मत्स्य वर्ग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये नेपाल में है, बिल्कुल सही है। गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, ये भी सही है। मकालू तिब्बत में है, ये भी सही है। लेकिन धौलागिरी ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। तो सी ऑप्शन जो है ये जोड़ा सही नहीं है। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे, आर्टिकल 35A को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1954 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है को कब अपनाया गया था। वंदे मातरम को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन ए में जो है 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया था। चलिए आगे देखिए, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। चलिए आंसर बताइए, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में RBI के अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। और इससे पहले कौन थे, तो उर्जित पटेल शक्तिकांत दास से पहले गवर्नर थे। RBI की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को।
और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? चलिए आंसर बताएंगे। अब देखिए, एक पूछा जाता है सघोष वर्ण, इसको घोष वर्ण भी कहा जाता है, और एक होता है अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण क्या है, तो ध्यान से सुनिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो घोष या फिर सघोष वर्ण कहलाएगा। जैसे कवर्ग की बात करें तो कवर्ग में तीसरे स्थान पर कौन आता है, तो क, ख, ग, घ और अंग, ये क्या है, तो ये तीन आपका हो गया सघोष वर्ण। वैसे च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में भी जो तीसरा, चौथा और पांचवा होगा वो सघोष होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें या ख है तो ये दूसरे स्थान पर आता है, तो ये सघोष नहीं है। देखिए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो होगा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा वो होगा सघोष। तो ये दूसरा वर्ण है क वर्ग का, ये अघोष है। च, ये भी अघोष है। अब द की बात करें तो देखिए, त, थ, द तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो ये क्या है, सघोष या फिर घोष वर्ण। बाकी ठ जो है त के बाद आता है, ये दूसरे स्थान पर, ये अघोष वर्ण है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान क्या होगा? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, विषुवत रेखा पर छोटी जी का मान क्या होता है, कम होता है, और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब चलिए रिलेट करते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं यानी कि कम से अधिक की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको समझकर याद करना है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर छोटी जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और छोटी जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो याद रखिएगा, एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान रखेंगे, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, बलबन ने किया था। और शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने समाप्त किया था, दोनों ध्यान रखना है। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, वर्तमान में बने हैं प्रवीण सूद। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, प्रवीण सूद जो है वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक बने हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनंत नागेश्वरन, ये वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब क्या है, याद रखिएगा, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? चलिए आंसर करेंगे 17 के लिए,
और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक हमने आपको बताया था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तमिलनाडु में स्थित है सलेम इस्पात संयंत्र। आगे देखिए, दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो याद रखिएगा, दीपा जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम है, और ये जो कृषि है छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। स्थानीय पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो बोरा की बात करें इटली, ये सही जवाब है। मिस्ट्रल की बात करें ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है, ना कि ऑस्ट्रेलिया को। बाकी खमसिन, मिस्र, हरमट्टन, अफ्रीका के पश्चिमी तट, ये सभी सही जवाब है। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? चलिए दोस्तों, 21 के लिए आंसर कीजिए, लीग ऑफ नेशंस ये कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस ये अस्तित्व में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी, ध्यान रखेंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली अध्यक्ष थे। आगे देखिए, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किस में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे, इनमें से किस प्रकार के ऊतकों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो याद रखिएगा, पेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, ऑप्शन ए ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि विरंजक चूर्ण जल में अधिक नहीं अल्प विलेय होता है। बाकी ये हल्के पीले रंग का होता है, सही है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की अभिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सभी सही है। तो आंसर जो होगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण होते हैं? तो याद रखिएगा, गुद्देदार तना होता है, सही है, नुकीला पत्ता होता है, लंबी जड़ें होते हैं मरुस्थलीय पौधे के, तो यहाँ पर सही है सभी। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? अब देखिए, यहाँ पर हड़बड़ी में आपको आर्यभट्ट को आंसर नहीं करना है, संचार उपग्रह पूछा गया है। अगर प्रथम उपग्रह पूछा जाता है तो आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट को, लेकिन प्रथम भारतीय संचार उपग्रह पूछे
तो ये है एप्पल, ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट नहीं होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को आप सभी जानते हैं मजदूर दिवस। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए, तो ऑप्शन ए में क्या है? एड्स। एड्स जो है ये किसके लिए है, यानी एड्स की बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो याद रखिएगा एलिसा जांच होता है एड्स के लिए, और विडाल परीक्षण है टाइफाइड के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिए, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? चलिए आंसर कीजिए 31 के लिए, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है नंदनी गुप्ता ने। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है नंदनी गुप्ता। अमीबा भोजन का अंतर्गण किसके द्वारा करता है? आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत ही पढ़ा होगा, अमीबा जो है भोजन का जो अंतर्गण है कूटपाद के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जैन मूर्तिकला का केंद्र कहाँ पर था? चलिए आंसर कीजिए, ईसा पूर्व शताब्दी प्रथम शताब्दी में जैन मूर्तिकला का केंद्र कहाँ पर था? तो याद रखिएगा मथुरा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर कीजिए, पिछले बार मद निषेध सिपाही में पूछा गया था सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में है, तो मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मदुरई। आप लोग कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए, तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है, तो पूछा जा सकता है इनमें से किसे सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे, भारत के गवर्नर जनरल को, तो याद रखिएगा ये अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, दोनों को ध्यान रखें। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ये बहुत ही सिंपल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था 100 साल का युद्ध।
आगे देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो पहले भी हमने आपको बताया है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में, किसने किया? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था नवाब सलीमुल्ला खान के द्वारा। और ऑप्शन सी में जो है आगा खां, ये कौन थे? तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया जाता है, किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्ला खान के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन सी में है आगा खां, ये कौन थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष पूछे तो आपको आंसर करना है आगा खान, लेकिन स्थापना पूछे तो नवाब सलीमुल्ला खान। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए एक है सर्वोदय शब्द और एक है सर्वोदय समाज। तो सर्वोदय शब्द पूछे तो इसका प्रयोग पहली बार किया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 45 प्रश्न को ही रखे थे। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।